Dear students, good morning all of you. In previous class we have read chapter 4th climate. In this class chapter 5 natural vegetation and wildlife. इस chapter के ऊपर हम discuss करेंगे. इस topic में हमारे जो topic है flora and fauna. इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो फ्लोरा क्या है? द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन्स और पीरियड. एक पार्टिकुलर रीजन्स में या पार्टिकुलर पीरियड्स में जो प्लांट्स उगते हैं या पाए जाते हैं उनके लिए हम फ्लोरा टर्म का यूज करते हैं. फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स रिलेटेड, वनस्पति जगत से संबंधित ये टर्म है. इसी प्रकार सिमिलरली द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फोना. जो एनिमल्स की जो स्पेसीज है, विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जीव जंतु, उनके लिए हम फोना टर्म का यूज करते हैं. तो ये दोनों जो है फ्लोरा एंड फोना, इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलीफ. रिलीफ में हम लैंड पढ़ेंगे, सोइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लाइमेट. क्लाइमेट में हम टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे, फोटो पीरियड सनलाइट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एंड प्रिसिपिटेशन वर्षण की कितनी मात्रा होती है या वर्षा के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेज, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल? तो आपने अपने स्कूल, अपने घर या अपने आसपास के मैदानों में जो भांति भांति के जो बर्ड्स पाए जाते हैं, ग्रासेस पाई जाती है, बुशेस पाई जाती है एंड ट्रीज पाई जाती है, उनको आपने देखा होगा. आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? क्या इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है या वेरिएशंस पाया जाता है? क्या वो एक ही प्रकार के हैं या वो अलग अलग है? तो आपका आंसर होगा कि इनमें वेरिएशंस पाई जाती है. जो प्लांट्स है, जो फोना है, जीव जंतु है, उनमें हमको वेरिएशंस देखने को मिलता है. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. तो हमारा जो कंट्री है वो वास्ट कंट्री है, विशाल देश है, इसलिए आप इसमें अनेक प्रकार की जो बायोफॉर्म्स है, जो जैव रूप है, उनकी आप इमेजिन कर सकते हो. यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स, आप बायोफॉर्म्स के जो विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स है वो हम अपनी कंट्री में देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हमारा देश इंडिया वर्ल्ड के जो मुख्य 12 मेगा बायोडायवर्सिटीज कंट्रीज है उनमें से एक है. हमारा भारत विश्व के जो मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश है उनमें से एक है.
विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, और लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण ये विश्व में 10वें स्थान पर है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, हमारा देश इंडिया जो है वर्ल्ड में 10th प्लेस के ऊपर ऑक्यूपाई करता है विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पेसीज। 47,000 जो है हमारे यहाँ पर प्लांट स्पेसीज है, इसके कारण वर्ल्ड में हमारा 10th प्लेस है, हमारा 10वां स्थान है एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। और इसके अलावा एशिया के देशों में 4th स्थान पर है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 10वें स्थान पर है, और अगर हम एशिया की दृष्टि से देखें तो प्लांट डाइवर्सिटीज के मामले में जो हमारा देश है वो 4th स्थान पर है, क्योंकि हमारे यहाँ 47,000 प्लांट स्पेसीज पाई जाती है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। इसके अलावा इंडिया में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी जो ऐसे पौधे हैं जिनके फूल लगते हैं, फूल वाले पौधे के मामले में अगर देखें तो हमारे इंडिया में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। विश्व में जो फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं उसका ये 6% है, यानी हमारे यहाँ 15,000 जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो वर्ल्ड्स के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% है। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा हमारी कंट्री में ऐसे अनेक प्लांट्स है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनके फूल नहीं लगते हैं, सच एज फंस, एलजी एंड फंजाई। इसके अलावा ये दूसरे जो पौधे हैं जिनके फूल नहीं आते हैं, जिसमें फर्न है, सेवाल है, कवक भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। इंडिया आल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। और इसके अलावा भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैराइन वाटर्स। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो है वो ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती है, मैरीन वाटर्स एंड फ्रेश वाटर्स में विभिन्न प्रकार की जो फिश स्पेसीज है वो भी हमारे यहाँ पाई जाती है। रिच वेराइटी ऑफ फिश, फिश की विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो भी हमारे यहाँ फ्रेश एंड मैराइन वाटर्स में पाई जाती है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का मीन है वनस्पति का वो भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नेचुरल वेजिटेशंस किसे कहेंगे हम? रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी, ये एक प्रकार की प्लांट कम्युनिटी है विच हैज ग्रोन नेचुरली, ये नेचुरली ग्रोन होती है विदाउट ह्यूमन एड, बिना किसी ह्यूमन एड के, बिना किसी मानवीय सहायता के ये अपने आप ग्रोन होती है नेचुरली एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसके अलावा लंबे समय तक जो है अपने आप या उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके ऊपर जो है ह्यूमंस के द्वारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाती है, कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस इज टर्म एज ए वर्जिन वेजिटेशन, इसलिए इसको वर्जिन वेजिटेशंस कहते हैं, या अक्षत जिसको कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, वर्जिन, वर्जिन वर्ड आया है, वर्जिन वेजिटेशन
यानी बिना कोई इंटरफेयर के, बिना कोई क्षति के जो वनस्पति उगती है, वेजिटेशन उगती है, उसको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्किड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशंस नहीं है। विभिन्न प्रकार की जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ये वेजिटेशंस तो है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशंस नहीं है, क्योंकि इन जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स है, इसमें ह्यूमंस की हेल्प जरूरी होती है, यानी ये मानवीय सहायता के बिना नहीं उगाई जा सकती है। तो ये वेजिटेशंस तो है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशंस नहीं है। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नॉन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पेसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। वे वनस्पति जो कि मूल रूप से इंडियन है, भारतीय है, उसे हम देशज कहते हैं, देश की। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नॉन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पेसीज, जो मूल रूप से यहाँ की है वनस्पति, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिजीनियस स्पेसीज, एंडेमिक, जो प्योरली इंडियन है। बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो प्लांट्स भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें हम कहेंगे एक्सोटिक प्लांट्स, विदेशी पौधे, विदेशज पौधे या एक्सोटिक प्लांट्स कहेंगे। तो जो प्योरली इंडियन है, उनको तो हम कहेंगे एंडेमिक, इंडिजीनियस स्पीसीज, और जो पौधे हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड से आए हैं, उनको हम एक्सोटिक प्लांट्स के नाम से हम पुकारेंगे। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या है, फोना क्या है? तो फ्लोरा का मीन्स है वेजिटेशन, प्लांट्स, जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन्स और पीरियड। वनस्पति जगत, फ्लोरा कहते हैं हम वनस्पति जगत, यानी वनस्पति जगत का जो मीन है वो है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष समय में पौधों की उत्पत्ति से है। डिनोट प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन और पार्टिकुलर पीरियड, किसी पार्टिकुलर रीजन्स में, किसी पार्टिकुलर पीरियड में जो वनस्पति पैदा होती है, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। सिमिलरली इसी प्रकार से द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फोना। और इसी प्रकार से जो एनिमल्स की स्पेसीज होती है, जीव जंतुओं की जो जातियां होती है, स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, उसको हम फोना कहते हैं। प्राणी जगत, फोना यानी प्राणी जगत, फ्लोरा यानी वनस्पति जगत। तो प्राणी जगत जानवरों के विषय में हमको बताता है फोना। फोना हमको किसके बारे में बताता है, स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो वनस्पति जगत और वन्य प्राणियों में इतनी डाइवर्सिटीज जो है वो निम्न कारणों से हैं। फोना में, फ्लोरा में जो डाइवर्सिटीज पाई जाती है, जो ह्यूज डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो उसके जो रीजंस है वो फॉलोइंग फैक्टर्स है। रिलीफ, रिलीफ के कारण जो है बहुत सारे जो प्लांट्स है, बहुत सारे जो एनिमल्स है, उनमें वेरिएशंस पाया जाता है। किसके कारण, रिलीफ के कारण, भूभाग के कारण। लैंड अलग होती है, सोयल अलग होती है, तो लैंड, सोयल, इसमें वेरिएशन होने से जो प्लांट्स है उनमें भी वेरिएशंस पाया जाता है, तो इसके कारण है ये। फोना और फ्लोरा में जो डाइवर्सिटीज पाई जाती है, उसके रीजंस क्या है, रिलीफ, भूभाग। भूभाग में फर्स्ट है लैंड। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली,
तो भूमि का वनस्पति पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। लैंड जो है वो क्या करती है, इफेक्ट करती है द नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट डालने वाली जो लैंड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से लैंड पौधों के ऊपर प्रभाव डालती है। जमीन, लैंड कहते हैं हम, भूमि को कहते हैं, जमीन को कहते हैं। तो जो भूमि है वो नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करती है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया? क्या पर्वत, पठार, मैदान एंड प्लेन्स एरिया और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स, जो वेट रीजन्स है, ड्राई रीजन्स है, वहां पर एक ही प्रकार की वनस्पति आपने देखी होगी? नहीं देखी होगी, क्योंकि अलग-अलग जो क्षेत्र है वहां पर अलग-अलग प्रकार की वेजिटेशंस पाई जाती है। वेजिटेशंस इन माउंटेनियस प्लेट्यू, प्लेन एरियाज, ड्राई वेट रीजन्स, इनमें जो है हम वेजिटेशंस के अलग अलग प्रकार देखते हैं। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशंस। तो जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस है उसके ऊपर, वेजिटेशंस के ऊपर जो धरातल है उसका प्रभाव पड़ता है। नेचर ऑफ लैंड, लैंड की जो नेचर है वो इन्फ्लुएंस करती है द टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशंस के टाइप के ऊपर जो नेचर ऑफ लैंड है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित, उसको प्रभाव प्रभाव डालती है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डेवोटेड टू एग्रीकल्चर। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। आप जानते हो जो उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल लेवल की जो लैंड होती है, जनरली उस पर एग्रीकल्चर की जाती है। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा जो अनड्यूलेटिंग एरियाज है, ऊबड़ खाबड़ असमतल भूभाग, इसके ऊपर या तो आपको जंगल मिलेंगे या फिर घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, आश्रय मिलता है। तो जो फर्टाइल भूमि है वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है, और जो अनड्यूलेटिंग जो रफ टेरेंस है, उबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं, वुडलैंड्स पाए जाते हैं, वो जो वाइल्ड लाइफ है उनके शेल्टर के काम आते हैं। जो जंगली जंतु है, जो वन्य प्राणी है, उनके वो शेल्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सोयल, मृदा, मिट्टी। द सोयल्स आर वेरी ओवर स्पेस, यानी विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो है सोयल्स पाई जाती है, इसमें वेरिएशंस मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस। तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति होती है विभिन्न प्रकार की सोयल्स में बोई जाती है। तो विभिन्न या अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती है उसमें विविध प्रकार की वनस्पति को बोया जाता है या बेसिस होता है उसके लिए। द सैंडी सोइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। मरुस्थल की जो सैंडी सोइल है, बलुई मृदा है, उसमें कंटीली झाड़ियां उगती है, कैक्टस उगते हैं, थॉर्नी बुशेस जो होती है उनके लिए सपोर्ट करती है। कौन सी सोयल, सैंडी सोयल। जो सैंडी सोयल्स है ऑफ द डेजर्ट, जो डेजर्ट में पाई जाती है सैंडी सोयल्स, वो सपोर्ट करती है कैक्टस को, थॉर्नी बुशेस को, जबकि वेट मार्शी डेल्टिक सोयल्स सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशंस। और जबकि जो गीली दलदली मिट्टी होती है उसमें मैग्रोव और डेल्टा वनस्पति उगती है। तो अलग अलग सोइल्स में अलग अलग वेजिटेशंस जो है उगती है, अलग अलग जो सोइल है वो सपोर्ट करती है किसको,
अलग अलग वेजिटेशंस को। जैसे एग्जांपल बताया है, डेजर्ट की जो सैंडी सोइल्स है वो सपोर्ट करती है कैक्टस थोर्निबुसेस को, जबकि जो वेट मार्शी डेल्टिक सोइल्स है वो सपोर्ट करती है मैंग्रोव्स को एंड डेल्टिक वेजिटेशंस को। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सोइल हैव कॉनिकल ट्रीज। इसके अलावा जो हिल स्लोप्स है, पहाड़ी ढलान, उनके ऊपर आपको कॉनिकल ट्रीज मिलते हैं। जो शंकुधारी पेड़ है, शंकु के आकार के जो पेड़ पेड़ है वो आपको मिलेंगे हिल स्लोप्स के ऊपर, यानी पहाड़ी ढलानों के ऊपर। पर्वत के जो स्लोप्स है वहां पर आपको कॉनिकल ट्रीज मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सोइल है, विभिन्न प्रकार की जो सोइल्स है वो सपोर्ट करती है डिफरेंट वेजिटेशंस को, अलग अलग वनस्पति को अलग अलग सोइल सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु में फर्स्ट है आपके टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है प्लांट्स को और जो फोना है उनको अफेक्टेड करता है। अलग अलग टेम्परेचर वाले रीजन्स में अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, तो जो क्लाइमेट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है नेचुरल वेजिटेशंस को। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशंस आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सोयल। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान, वायु की नमी, इनके ऊपर भी निर्भर करती है। जो वेजिटेशंस की जो वैरायटी है, इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन, वो टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है निर्भर करती है। यानी वनस्पति की जो विविधताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो तापमान के ऊपर निर्भर करती है, वायु की नमी के ऊपर निर्भर करती है। ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के जो स्लोप्स है, जो ढलान वाले जो क्षेत्र है, एंड द हिल्स ऑफ द पेनिशुला अबाउट द हाइट ऑफ 915 मीटर्स, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। हिमालय पर्वत की ढलानों और प्रायद्वीप की पहाड़ियों के ऊपर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट आती जाती है, ये आप जानते हो। जैसे जैसे हम माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं, हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, जो वनस्पति के पनपने और उसके बढ़ने को प्रभावित करती है। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाएंगे तो फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इट्स ग्रोथ। जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है और इसकी जो ग्रोथ है उसको ये टेम्परेचर जो है प्रभावित करता है। एंड चेंजेज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड अल्पाइन वेजिटेशन, और इसे हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या अल्पाइन वनस्पतियों में जो है हम वेरिएशंस देख सकते हैं। इसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में जो है ये इसे परिवर्तित करती है। टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल एरिया में जो वनस्पति पाई जाती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में जो वनस्पति पाई जाती है, उसमें टेम्परेचर के कारण ये वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है आपको बता रखा है टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशंस जोन। वेजिटेशंस जोन है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना होता है वो बता रखा है। ट्रॉपिकल में 24 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पाया जाता है, और जो मीन टेम्परेचर है जनवरी वो 10 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। नो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट नहीं होता है यहाँ पर। सब ट्रॉपिकल में भी इसी प्रकार बताया गया है। टेम्परेट जो एरिया है
टेम्परेट जो जोन्स है वहां पर टेम्परेचर जो होता है 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फोटो पीरियड, सनलाइट। फोटो पीरियड मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो कितने समय तक किसी क्षेत्र में उपलब्ध होती है। तो आप जानते हो कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में फोटो पीरियड अलग अलग होता है। कहीं ज्यादा समय तक हमको सनलाइट मिलती है और कहीं कम समय के लिए हमको जो है सनलाइट जो है अवेलेबल होती है। तो फोटो पीरियड भी जो है वेजिटेशन को प्रभावित करता है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के एटीट्यूड लेटीट्यूड सीजन ड्यूरेशन ऑफ द डे इसके ऊपर निर्भर करता है। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का जो समय है जितने समय तक हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है वो उसका समय उस स्थान के लेटीट्यूड अक्षांश अल्टीट्यूड देशांतर इसके अलावा सीजन कौन सी सीजन है वहां उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ऋतु के ऊपर निर्भर करता है एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे डे की ड्यूरेशन कितनी है उसके ऊपर इसका समय निर्भर करता है। किसका समय? सूर्य के प्रकाश का समय। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर एंड फास्टर इन समर। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जो ट्री है वो गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। क्यों? ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर होने के कारण ट्रीज ग्रो फास्टर एंड इन समर। समर में जो ट्रीज है वो फास्ट गति से ग्रो करते हैं। तो ये भी जो है वेजिटेशंस को जो है इन्फ्लुएंस करता है फोटो पीरियड। नेक्स्ट है प्रसिपिटेशन, वर्षण, वर्षा की मात्रा। इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर। भारत में जो वर्षा होती है वो आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर तक आता है उसके ऊपर निर्भर करती है। हमारी जो जो ये वेजिटेशंस है वो किसके ऊपर निर्भर है? एंटायर रेनफॉल पूरी तरह से जो रेनफॉल होती है इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो आता है जून से सितंबर के बीच में एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून और पीछे हटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून के ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ जो एंटायर रेनफॉल होती है जो लगभग सारी वर्षा होती है वो एक तो साउथ वेस्ट मानसून से होती है जो जून टू सितंबर आता है और रिट्रीटिंग मानसून पीछे हटता हुआ जो मानसून है वापस जाता हुआ जो मानसून है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है उस मानसून से सारी वर्षा होती है। एरिया जो हैवी रेनफॉल है मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर्ड टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर डेंस वेजिटेशन पाई जाती है लेस रेनफॉल की कंपेयर में। जहां पर कम वर्षा होती है उसकी तुलना में जहां पर हेवी रेनफॉल होती है वहां पर कौन सी वेजिटेशंस पाई जाती है? मोर डेंस वेजिटेशन सघन वनस्पति पाई जाती है। हैव यू एवर थॉट क्या आपने सोचा है एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के लिए वन क्यों आवश्यक है? तो वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बींग्स? फॉरेस्ट आर रेन्यूएबल रिसोर्सेस। तो एक तो ये है कि वन रेन्यूएबल
रिसोर्सेज है, यानी ये रिन्यूड होते रहते हैं, यानी पुनः उत्पादित होते रहते हैं, पुनः बनते रहते हैं, नवीनीकरण होता रहता है, नए पौधे आते रहते हैं। तो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको एनहेंसिंग करते हैं, बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की क्वालिटी को एनहेंस करने में मेजर रोल प्ले करते हैं कौन, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का एक यूज तो हो गया कि ये हमारे पर्यावरण की क्वालिटी को सुधारते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा है दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जो लोकल क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं, जो लोकल क्लाइमेट है, स्थानीय जलवायु है, उसको परिवर्तित करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं, जो मिट्टी का कटाव है उसको फॉरेस्ट रोकते हैं। इसके अलावा रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो बहुत सारे उद्योग है उनको सपोर्ट करते हैं, उनके आधार है कौन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज है उनके, ये उनको सपोर्ट करते हैं, उनके बेस है। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज, जो मैनी कम्युनिटीज है उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं, जीविका प्रदान करते हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं। एंड ऑफर पैनोरेमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और इसके अलावा ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पैनोरेमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, जो टूरिस्ट है उनके लिए पैनोरेमिक और सीनिक व्यू जो है उसका रिक्रिएशन करते हैं, यानी जो जो घूमने के लिए, जो टूरिज्म के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को जो है अवेलेबल करवाते हैं। द कंट्रोल विंड फोर्स, इसके अलावा विंड फोर्स को नियंत्रित करते हैं, जो हवा का जो प्रेशर होता है, विंड फोर्स होता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन्स, और इसके अलावा टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और वर्षा लाते हैं। ये क्या करते हैं, ये वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल, इसके अलावा ये सोयल को ह्यूमस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमस, ह्यूमस जो है उपजाऊ मटेरियल है, सोइल्स में पाया जाता है, तो फॉरेस्ट के कारण जो सोइल है वो ज्यादा उपजाऊ बनती है। एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जंतु है, उनको शेल्टर प्रदान करते हैं, उनको आश्रय स्थल प्रदान करते हैं। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। तो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से जो है बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक भूमि की डिमांड होना, उद्योगों का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, खनन, शहरीकरण की परियोजनाएं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण ये जो वन्य क्षेत्र है ये कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। किसके कारण, मैनी चेंजेज, बहुत सारे बदलाव आए हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स के कारण मैनी चेंजेज आए हैं,
जैसे कि द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, जो कल्टिवेटेड लैंड है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, माइनिंग, माइनिंग इंडस्ट्रीज इसके डेवलपमेंट के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है वन्य क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस. भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है. अगर हम देखें इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर एक्चुअली रूप से देखें तो वो प्राकृतिक नहीं है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स लाइक द हिमालयाज, द हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली. द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ पर हमारा एक्सेसिबल नहीं हो पाता है, जहाँ हमारी पहुंच नहीं है, कैसे, जैसे कि लाइक द हिमालयाज, हिमालय मध्य भारत के कुछ भाग, हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के जो हिली रीजन्स है, एंड द मरुस्थली, मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है. कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हमारी जो हमारे यहाँ इंडिया में प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, कुछ क्षेत्र कौन से हैं, हिमालयाज है, हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया है, मरुस्थल है, इन क्षेत्रों को छोड़कर हमारे यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं है. यहाँ पर तो है वनस्पति, प्राकृतिक है, कहाँ पर, हिमालयाज में, हिली रीजन्स में और मरुस्थल में. यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है, इन क्षेत्रों को छोड़कर हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन का अभाव है. द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस. शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से जो है चेंज हो चुकी है, मॉडिफाइड हो चुकी है. किसके कारण? ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर जो हमारी वेजिटेशन है इन द मोस्ट ऑफ द एरिया हैज बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेज. सम प्लेसेज में जो हमारे यहाँ जो वेजिटेशन हैज बीन मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड, या तो बदल गई है, रिप्लेस हो गई है, और डिग्रेडेड हो गई है, या बिल्कुल निम्न हो गई है, डिग्रेडेड हो गई है बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के कारण हमारे यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल निम्न हो गई है, निम्न कोटि की हो गई है, या बिल्कुल चेंज हो गई है. तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस. तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.